नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता के इडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए आईपीएल सीजन 12 के 29वें मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया और पॉइंट टेबल में अपना पहला स्थान बरकरार रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवा कर 161 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना के 58 रनों के दम पर 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 162 रन बना लिए और कोलकाता को धूल चटा दी। आपको बता दें, चेन्नई को पहला झटका शेन वॉटसन के रूप में लगा जब उन्हें हैरी गर्ने ने 6 रन के निजी स्कोर पर LBW आउट कर दिया था। सुनील नरेन ने चेन्नई को दूसरा झटका दिया जब उनकी गेंद पर फाव डू प्लेसिस बोल्ड हो गए। फाव डू प्लेसिस 24 रन बनाकर आउट हुए थे। अंबाती रायडू भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 5 रन के निजी स्कोर पर पीयूष चावला की गेंद पर रॉबिन उथप्पा को कैच थमा बैठे। पीयूष चावला ने ही केदार जाधव, जिन्होंने 20 रन बनाए थे, को LBW आउट करते हुए चेन्नई को चौथा झटका दे दिया। सुनील नरेन ने MS धोनी, जिन्होंने 16 रन बनाए थे, को LBW आउट करते हुए चेन्नई को पांचवा झटका दे दिया था। तो भाई, अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी। इमरान ताहिर ने क्रिस लिन की शानदार पारी का अंत कर 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट पर 161 रन ही बनाने दिए। इडन गार्डन्स की पिच पर अभी तक स्पिनर जूझते दिखे हैं। ताहिर ने 11वें और 15वें ओवर में दो दौरे धमाके करते हुए मैच में चेन्नई का पल्ला भारी कर दिया और साथ ही IPL में गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दिया। इसी के साथ उन्होंने सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की सूची में कैगिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया। ताहिर ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे क्रिस लिन 51 गेंद में 82 रन बनाए थे 7 चौके और 6 छक्के की मदद से, और 5 गेंद के अंदर खतरनाक आंद्रे रसेल, जिन्होंने 10 रन बनाए थे, दोनों का विकेट झटक लिया जिससे KKR की रन गति पर ब्रेक लग गया। रसेल इस सत्र में पहली बार 40 रन से कम के स्कोर पर आउट हुए। ताहिर की खतरनाक गेंदबाजी का इतना असर पड़ा कि KKR की टीम अंतिम 5 ओवर में महज 29 रन ही बना सकी और उसने 3 और विकेट गवा दिए। लेकिन KKR की पारी शानदार ढंग से शुरू हुई थी। फिर से फिट हुए क्रिस लिन ने इस सत्र में दूसरा अर्धशतक लगाकर टीम को बेहतर शुरुआत कराई थी, जिन्होंने महज 36 गेंद खेलकर 50 रन बनाए थे। फ्लू के कारण वह टीम के पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने दीपक चहर को धो दिया, जिन्होंने पहले 2 ओवर में 22 रन लुटाए। इस ऑस्ट्रेलियाई ने इस गेंदबाज पर तीसरे ओवर में चौका, छक्का और चौका लगाया। क्रिस लिन का दबदबा इतना था कि विस्फोट की बल्लेबाजी करने वाले सुनील नरेन भी दूसरे छोर पर दर्शक दिख रहे थे। पहले 4 ओवर में क्रिस लिन ने 33 में से 31 रन जोड़े। लिन जब क्रीज पर थे तो टीम के 200 रन बनाने की उम्मीद लग रही थी और रसेल ने भी ताहिर की गेंद पर एक छक्का लगाकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन ताहिर को फाव डू प्लेसिस और अन्य खिलाड़ी ध्रुव शोरे के शानदार कैच का फायदा मिला, जिनकी बदौलत उन्होंने नीतीश राणा, जिन्होंने 21 रन बनाए थे, और रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने 0 रन बनाए थे, को महज 2 गेंद के अंदर आउट कर दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स की कैचिंग शानदार रही, जिसमें फाव डू प्लेसिस अहम रहे। तो कुछ इस तरह से इस कड़े मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स अपने नाम करने में कामयाब रही और पॉइंट टेबल पर टॉप पर कब्जा बनाए रखा। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।